बड़ी बात ये बता दें कि सोनिया गांधी यूपीए की जो अध्यक्ष हैं वो इस वक्त राहुल गांधी के घर पर पहुंची हैं। राहुल गांधी के घर पर सोनिया गांधी पहुंच गई हैं। आज सुबह से हम देख रहे हैं एक तरीके से सियासत का केंद्र जो है वो राहुल गांधी का घर बना हुआ है, क्योंकि पहले राहुल गांधी के घर पर सुबह से एक बैठकों का दौर जो चल रहा था, जिसमें राजस्थान के पर्यवेक्षक प्रभारी से राहुल गांधी ने पहले मुलाकात की, उसके बाद राहुल गांधी ने अशोक गहलोत, सचिन पायलट से अलग अलग मुलाकात की। ये जो काफिला आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी का काफिला राहुल गांधी के घर पर पहुंचता हुआ, और देखिए सुबह जिस वक्त राहुल गांधी बैठकें कर रहे थे उस वक्त उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल गांधी के घर पर मौजूद थी, और ये अब काफिला सोनिया गांधी का, सोनिया गांधी भी अब राहुल गांधी के घर पहुंच रही है। सीधे रुख करते हैं बीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जैनेन्द्र, सोनिया गांधी के राहुल गांधी के घर पहुंचने का मतलब क्या है? देखिए, मतलब साफ है कि अब जो आखिरी मुहर लगनी है, नाम तय होने हैं मुख्यमंत्रियों के तीनों राज्यों में, उसमें सीधे तौर पर सोनिया गांधी भी उस डिसीजन मेकिंग में है। ये साफ इस बात से होता है क्योंकि सोनिया गांधी पहुंची है कुछ देर पहले राहुल गांधी के आवास पर, और अब साफ कर दें कि अब तक सूत्र में हालांकि तीन नाम बता चुके हैं तीनों राज्यों के जिनकी संभावना ज्यादा है मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन अब तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। और सचिन पायलट भी दिल्ली से जमे हुए हैं, सिंधिया फिलहाल राहुल गांधी के घर के अंदर मौजूद है, तो अभी भी कोशिशें जारी हैं सभी जितने संभावित उम्मीदवार उनकी तरफ से। तो सोनिया गांधी पहुंची है, जाहिर सी बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया अंदर मौजूद है, एके एंटनी और भवन जितेंद्र जो मध्य प्रदेश के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए थे वो मौजूद है। सोनिया के पहुंचने का मतलब साफ है कि अब सोनिया गांधी की भी डिसीजन मेकिंग में जो है वो भूमिका रहने वाली है, और जाहिर सी बात है फिलहाल इंतजार यही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले से ही मौजूद हैं राहुल गांधी के घर पर, जैसा कि एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र हमें बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी पर्यवेक्षक वो मौजूद हैं राहुल गांधी के घर पर। मतलब ये बैठकों का दौर जो लगातार चल रहा है, सुबह राजस्थान को लेकर बैठकें चल रही थी और अब शाम होते होते मामला जो है वो मध्य प्रदेश पर शिफ्ट हो चुका है, मध्य प्रदेश को लेकर बैठक चल रही है, और अब सोनिया गांधी भी राहुल गांधी के घर पर पहुंच रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में उस तरीके की दिक्कत देखने के लिए नहीं मिल रही थी जिस तरीके की दिक्कत उभरी है राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान में सीधे सीधे जो दो बड़े नेता मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे थे उनके समर्थक बाकायदा सड़क पर उतर आए और स्थिति जो है वो टकराव की बनती हुई नजर आई। फिलहाल ये तस्वीरें, काफिला सोनिया गांधी का जिस वक्त पहुंच रहा था राहुल गांधी के घर पर उस वक्त की ये तस्वीरें हैं, काले रंग की गाड़ियों का ये काफिला आप देख रहे हैं। सोनिया गांधी भी राहुल गांधी के घर पर अब पहुंच चुकी है और वहीं पर पूरा मंथन चल रहा है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।